से ना रुके हम, बरसी से चले हम, बादल सा घर छे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSKO IT क्लासेस। आज हम ICT का चैप्टर नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस, कि जैसे आपने लास्ट चैप्टर में यूज़ किया था कि हाउ टू वी कैन बी स्टार्ट ए कंप्यूटर। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है देन उसके बाद जो नेक्स्ट वन जो स्टेप है उसमें हमें डिफरेंट टाइप की फाइल्स यूज़ करनी होती हैं। तो आपके पास डिफरेंट टू ऑप्शंस हैं कि व्हाट इज़ द फाइल। फाइल का मीनिंग क्या होता है कि आपके पास जहाँ पे भी डेटा है उस डेटा को जब आप एक ही जगह पे स्टोर कर देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ए फाइल, यानी कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ कॉल्ड ए फाइल। जैसे लाइक इन एनी स्कूल्स और ऑफिस ईच टीचर हैज़ ए सेपरेट कैबिनेट वेयर दे कीप द फाइल्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट और क्लास ऑन सेपरेट सेल्स। मीन्स हर ऑफिस या स्कूल के अंदर जैसे नॉर्मली क्या होता है, अलग अलग कैबिनेट्स होते हैं जिसके अंदर कोई भी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अलग अलग फाइलों को रख सकता है। सिमिलरली इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर इज स्टोर इन इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स विच कैन बी पुट इन टू सेपरेट फोल्डर। सेम ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि सबके अलग अलग फोल्डर्स हैं जहाँ पे अपनी अलग अलग फाइलें रखी जा सकती हैं। इट इज़ ईजियर टू मैनेज द इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स एज दे कैन बी सिंपली कॉपीड, मूव्ड, रीनेम्ड, इवन डिलीटेड। तो ये बहुत ईजी हो जाता है कि क्योंकि हर बंदे का अपना एक फोल्डर है, वो एक स्पेसिफिक फोल्डर में जाएगा तो उससे फाइलों को हम तेज़ी से ढूंढ सकते हैं, इजिली कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और फाइलों को क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द फाइल्स एंड फोल्डर। तो फोल्डर का मीनिंग आपको आगे समझ में, कि फोल्डर का मीनिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स, कि जहाँ पर आप अपनी फाइलें इकट्ठा कर सकते हैं या सब फोल्डर इकट्ठा कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड फोल्डर। ऑल इन्फॉर्मेशन स्टोर इन ए कंप्यूटर इज़ कैप्ट इन फाइल्स, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर होती हैं वो एज ए क्या होंगी, फाइल के रूप में होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, अलग अलग फाइलें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं। ईच फाइल इज़ गिवन ए फाइल नेम एंड हैज़ ए फाइल नेम एक्सटेंसन, मतलब कंप्यूटर में हर फाइल का अपना एक नेम होता है और साथ में उसका क्या होता है, एक एक्सटेंसन होता है। एक्सटेंसन मीन्स जितने भी आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स होते हैं हर सॉफ्टवेयर का अपना एक एक्सटेंसन होता है। ये आइडेंटिफाई के लिए होता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। द फाइल नेम एंड फाइल एक्सटेंसन आर सेपरेटेड बाई ए पीरियड ऑफ डॉट, मतलब जो फाइल नेम है और जो एक्सटेंसन है वो किससे सेपरेट होंगे, एक बेसिकली डॉट से। जैसे कि एग्जांपल दिया, जैसे आपने फाइल का नेम डाल दिया सपोज नेहा, एंड आप एक वर्ड की फाइल यूज़ करते हैं तो नेहा डॉट क्या लग जाएगा वहाँ पे, DOC। अगर एक नोटपैड फाइल है तो .txt, एक्सेल की फाइल के लिए .xls। तो दीज आर द कॉमन एक्सटेंशंस। एंड इमेज फाइल यूजुअली हैज एक्सटेंशन .jpg, मतलब जो इमेज फाइलें हैं उनका एक्सटेंशन क्या मिलेगा, JPG, और जितनी भी साउंड फाइलें हैं उनका एक्सटेंशन होता है MP3। ए फोल्डर इज लोकेशन वेयर ए ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर, और फोल्डर क्या होते हैं, जहाँ पर एक बहुत सारी फाइलें आप एक ही लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड फोल्डर। नाउ क्रिएटिंग ए फाइल यूजिंग टेक्स्ट एडिटर इन Ubuntu, क्या फाइल बनाते कैसे हैं। देन फर्स्ट वी ओपन द एडिटर, एडिटर ओपन करिए। एडिटर ओपन करने के बाद आप डिफरेंट टाइप की उसमें फाइल्स बना सकते हैं। टू ओपन ए टेक्स्ट एडिटर टाइप एडिटर इन द सर्च डायलॉग बॉक्स, मतलब जो आपका सर्च का बटन है इसमें क्या डाल देंगे यहाँ पे, एडिटर। अगर आपको वर्ड स्टार्ट करना है देन टाइप द वर्ड, देन डबल क्लिक द टेक्स्ट एडिटर ऑप्शन इज शोन, क्या करेंगे वहाँ पे, डबल क्लिक। ये जैसे अलग अलग ऑप्शंस आ गई तो उस पर क्या कर देंगे, वहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। दिस विल ओपन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन विंडो, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी इंफॉर्मेशन डालनी है तो वो इंफॉर्मेशन डाल दीजिए एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन, सेव पे क्लिक करिए। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो वहाँ एक फोल्डर आ जाएगा जहाँ पर आपको अपनी फाइल स्टोर करनी है। नाउ वी कैन क्रिएट ए फोल्डर, आप क्या बना सकते हैं, पहले अपना एक फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर का मतलब कि एक अलग से एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर आप अपनी अलग अलग फाइलें इकट्ठा कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फोल्डर। टू ओपन द फाइल एक्सप्लोरर इन Ubuntu, क्लिक फाइल्स, फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो एक एक्सप्लोरर ओपन हो गया आपके पास। देन वहाँ पे अपना एक फोल्डर बनाइए, फोल्डर बनाने के लिए क्या करोगे, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फोल्डर, फोल्डर में न्यू फोल्डर
एंड देन यूजिंग दिस वन ऑप्शन. जैसे कि लाइक ये एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ये डेस्कटॉप हमारा स्टार्टिंग में Ubuntu का, जैसे आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो इस तरह का एक फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी. जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन जैसे रिसेंट, होम, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, मतलब एक स्पेसिफिक आपके पास अलग अलग लोकेशन गिवन है. तो किसी भी उस पर क्लिक करिए यहाँ पे, जैसे होम पे क्लिक किया हमने. एंड देन अगर आपको एक न्यू फोल्डर बनाना है, देन राइट क्लिक ऑन दिस वन फोल्डर और एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे न्यू फोल्डर. जैसे न्यू फोल्डर पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप फोल्डर का नाम डाल दीजिए वहाँ पे कि आप किस नाम से एक फोल्डर बनाना चाहते हैं. तो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हमारा क्या बन गया, फोल्डर क्रिएट हो गया. रीनेम के लिए आप F2 प्रेस करिए या राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं. तो दैट इज़ आवर सेकेंड चैप्टर जिसमें हमने फोल्डर बनाना सीखा कि फोल्डर कैसे बनाते हैं और हाउ टू वी कैन बी क्रिएट ए फाइल इन द ऑपरेटिंग सिस्टम्स.